हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेवन चक्रास के बारे में। सेवन चक्रास क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ पे मौजूद हैं, कैसे बैलेंस होते हैं और अध्यात्म की इस यात्रा में ये क्यों ज़रूरी हैं, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये अलग अलग लेयर्स में बटी हुई हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल, सात तरह की बॉडीज़ हैं। जो सबसे पहली बॉडी आती है वो है फिजिकल बॉडी, और उसके बाद आता है हमारा प्राणमय शरीर यानी कि एनर्जी बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं जो कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाके आपस में जुड़ती हैं, और इस इंटरसेप्शन के पॉइंट को हम एनर्जी पॉइंट्स भी कहते हैं। कई कई जगह, स्पेशली सात जगह शरीर में नाड़ियों के गुच्छे आपस में मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और इन्हीं सात जगह पे हमारे सात चक्र मौजूद होते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे घर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक चलाने के लिए, लो वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनिक चलाने के लिए नॉर्मल प्लग की ज़रूरत पड़ती है, बट जब हमें हाई वोल्टेज की चीज़ें चलानी है, जैसे माइक्रोवेव ओवन या वॉशिंग मशीन या फिर एसी, तो हमें हाई वोल्टेज के चीज़ों को चलाने के लिए पावर प्लग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो ज़्यादा है। इसी प्रकार ये जहाँ पे नाड़ियों के गुच्छे आपस में जुड़ते हैं, ये हमारी बॉडी का पावर प्लग है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम चक्रा की बात करें तो चक्रा एक संस्कृत का वर्ड है जिसे इंग्लिश में व्हील कहा जाता है, पहिया कहा जाता है, क्योंकि जब ध्यान के समय हम इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इसे पाते हैं कि एक कोई रोटेशन उस चक्र के प्लेस पे हमें हो रही है, और एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है। और वास्तव में हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जैसे कि पानी को जब हम उबालते हैं तो वो वेपोरेट होता है, फिर वो बादल बनता है और फिर से वो बारिश बनता है। तो एनर्जी नीचे से ऊपर गई और फिर वो नीचे आई। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं, जो कि हमारे स्पाइन के सबसे नीचे लोकेटेड होता है। ये हमारे फियरलेस एटीट्यूड को बताता है। जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उतनी ही गहरी उसकी नींव होती है। यही नींव हमारे मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करती है, और इसी नींव के आधार पर ही हमारी ग्रोथ निर्भर करती है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। जितना ये चक्र स्ट्रांग होता होगा उतना ही हम स्पिरिचुअली ग्रो भी करेंगे। जितना ये चक्र स्ट्रांग होगा उतना ही हम में काम करने का करेज रहेगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप बेसिक चीज़ों के लिए, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीज़ें हमारी लाइफ में, उसके लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए ही बहुत फियर आपके मन में आता है, दैट मीन कि आपका रूट चक्र स्ट्रांग नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसको स्ट्रांग करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और ध्यान के दौरान आपको अपने इस एरिया के ऊपर, जो कि स्पाइन का सबसे नीचे का एरिया है, जब हम आलती पालती मार के नीचे धरती पर बैठते हैं, जो एरिया हमारा सबसे नीचे की तरफ लगता है, वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और ये प्लैनेट मार्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मार्स हमारे करेज को बताता है, और मार्स ये भी बताता है कि आप काम करने के लिए तत्पर रहिए, रुकिए मत, वही एनर्जी वहाँ पर है। उसके बाद आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जिसे हम सेक्रल चक्र भी कहते हैं, जो कि प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये चक्र हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। जितना ये चक्र बैलेंस रहेगा उतनी ही हम में क्रिएटिविटी रहेगी। क्रिएटिव एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, लाइक अग्नि। अग्नि जैसे जगाओ तो उसकी लौ जो होती है ऊपर की तरफ जाती है। जैसे जैसे आप चक्र को बैलेंस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर ये चक्र किसी भी कारण से डिसबैलेंस होता है, अगर आप काम विकार में अपनी इस एनर्जी को बहुत यूज़ करते हैं, तो ये बैलेंस होगा और दोबारा से एनर्जी आपकी मूलाधार चक्र के पास तरफ चली जाएगी, और फिर से आपको इसको बैलेंस करने के लिए और ऊपर की तरफ ट्रैवल करवाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो कभी भी जब आप ध्यान स्टार्ट करते हैं और आपको काम विकार की चीज़ें बहुत आपके दिमाग में आती हैं, तो आप इससे समझिए कि आपका ये एनर्जी मूलाधार चक्र से ऊपर उठ गई है, इसलिए ये थॉट्स आ रही हैं। बट अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, क्रिएटिव चीज़ों में लगाएंगे, तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली ही बैलेंस होगी, और उसके बाद ये एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी मणिपुर चक्र के तरफ। जो स्वादिष्टान चक्र है, सेक्रल चक्र है, वो हमारे नेवल से 3 इंचेस नीचे है,
और जो मणिपुर चक्र है वो हमारे नेवल से 3 इंचेस ऊपर है, जो कि प्लैनेट सन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को बताता है। जब भी ये चक्र बैलेंस होगा, सोलर प्लेक्स चक्र जो कि 3rd चक्र है, जब भी ये बैलेंस होगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप खुश फील करेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपके बात करने में ही लोगों को आपका तेज समझ आएगा, लोग अपने आप आपकी तरफ प्रभावित होते रहेंगे। जब भी ये चक्र डिसबैलेंस होगा तो आपकी हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, आप सनलाइट में थोड़ी देर वॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र, जो कि हमारा हार्ट चक्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, क्योंकि 3 चक्र नीचे के और 3 चक्र ऊपर के, और ये बिल्कुल सेंटर में आता है और एक ब्रिज क्रिएट करता है। नीचे के 3 चक्र जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हमें अपने इस फिज़िकल वर्ल्ड के मटेरियली सुख देते हैं, सभी सुख से ऊपर लेके जाते हैं। फिर हार्ट चक्र एक ब्रिज क्रिएट करता है और ऊपर के 3 चक्र हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। इन सब का रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मूलाधार चक्र का, जितना कि क्राउन चक्र का, सबका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चक्र हमारे इमोशन को बताता है। ये अगर बैलेंस है तो आप सेल्फलेस लव की एनर्जी हर तरफ स्प्रेड करेंगे, और अगर ये चक्र डिसबैलेंस है तो आप लोगों को कर्स करेंगे। हमें ये समझना होगा कि ये एक एनर्जी ही है, बस जो इंटेंशन हम डाल रहे हैं उसी के थ्रू ये एनर्जी बैलेंस हो रही है और इसी के थ्रू ये डिसबैलेंस हो रही है। अगर आप अपने इमोशन के ऊपर आपका कंट्रोल है, आप सबको एक भाव एक रस में देखते हैं, सबके लिए आपके मुँह से ब्लेसिंग्स निकलती हैं, तो ये आपका चक्र बैलेंस है। बट अगर आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं, आप किसी को देख के जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, आप पुराने इवेंट अभी भी आपके दिल में हैं, और जब भी वो इवेंट क्लिक होते हैं तो सामने वाले के प्रति आपके तरफ से कर्स निकलता है, दैट मीन ये आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है। इसे बैलेंस करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं और रोज़ मेडिटेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जिसे हम थ्रॉट चक्र भी कहते हैं, जो कि गर्दन के बिल्कुल सेंटर में होता है। जब भी ये चक्र बैलेंस होता है तो हमारे मुंह से लोगों के लिए ब्लेसिंग निकलती है, हम लोगों के लिए अच्छे भाव से बात करते हैं। बट कभी भी जब हम लोगों को अपनी चीज़ें बोल नहीं पाते, सप्रेस करते हैं फीलिंग को, चीज़ों को अंदर ही अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तब ये चक्र डिसबैलेंस होता है। तो इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब भी आप इमोशनली डिसबैलेंस होगे या चीज़ों को बोल नहीं पाओगे, तब आपके 2 चक्र इम्पैक्ट होते हैं, एक तो थ्रॉट चक्र और दूसरा आपका हार्ट चक्र। इसलिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी फुल मून होता है, एक पेपर लेकर आप अपने जो भी इमोशन है, जो आप लोगों को नहीं बोल पाए, वो सब लिख के, जो भी आपके ग्रजेस हैं, आप लिख के पेपर को जला दीजिए और फ्लश कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके जितने भी अंदर इमोशन है, फीलिंग्स हैं, वो निकल जाएंगे। इससे नेक्स्ट है हमारा 3rd eye चक्र। जब ये चक्र बैलेंस होता है तो एक अवेयरनेस की स्टेट होती है, हम प्रेजेंट में रहते हैं, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। और जब ये चक्र डिसबैलेंस होता है तो हम रस्सी को भी सांप समझते हैं, इसलिए इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस, हर घड़ी अंतिम घड़ी के एक कोटेशन के ऊपर चल सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी ये चक्र बैलेंस रहता है। उसे नेक्स्ट आता है हमारा क्राउन चक्र, जो कि हमारे सर के ऊपर बिल्कुल ऊपर है, सेंटर में है। तो जब ये चक्र बैलेंस रहता है तो कोई भी लोभ नहीं बचता, कोई भी कोई बहुत ही सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है, बहुत ही पीस की फीलिंग रहती है, तो ये चक्र बैलेंस रहता है। इन सब चक्रों को बैलेंस रखने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप रेगुलर रूटीन लाइफ में इन चक्रस के ऊपर जो जो इनके प्लेसमेंट बताई है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जहाँ पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं वहीं पे एनर्जी का फ्लो होता है। तो हमें अपने मूलाधार चक्र से अपने क्राउन चक्र तक एनर्जी को फ्लो करना है। तो कुछ समय जब भी मेडिटेट करें तो अपने 7 चक्र के ऊपर एनर्जी अपना फोकस करें और वहाँ पे फील करें, उस व्हील को चलते हुए रोटेशन गति को महसूस करें और देखें कि वो गति धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये चक्र का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। हमारी अगली वीडियोज़ के लिए हमसे कनेक्ट रहें। थैंक यू।